नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। हुकूमत में आज बात होगी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मचे सियासी घमासान की। सियासी घमासान जिसमें गठबंधन की जीत के लिए कांग्रेस रोड़ा बनी हुई है, तो वहीं मायावती की बीएसपी कांग्रेस को छोड़ एसपी के साथ अपने दम पर सरकार बनाने का दम भर रही है। मुश्किलें दोनों के लिए कम नहीं है, लेकिन गठबंधन के लिए कांग्रेस अभी भी नरम दिल रखे हुए है। सवाल यही है कि आखिर मायावती को कांग्रेस क्यों नहीं भा रही है? गठबंधन में कांग्रेस के लिए आखिर इतनी तल्खी क्यों है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे। आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुकूमत 2019। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूर्वजों के गढ़ पूर्वांचल के दौरे पर है। यहां प्रियंका गांधी वोटर्स को रिझाने के लिए बोट यात्रा कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और लेटे हुए हनुमान के भी दर्शन किए। नाव से झांकती घाट पर खड़े लोगों को पुकारती, नाव पर बैठकर प्रयागराज के लोगों से बात करती, रास्ते पर पड़ने वाले घाटों खेतों को निहारती, ये प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी को अपने पुरखों के गढ़ को मजबूत करने के लिए भेजा गया है। पूर्वांचल की कमान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका के हाथ में है और प्रियंका गंगा की गोद में है। ये माइक इतनी दूर से कैसे पहचाना? धन्यवाद। प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी पानी के रास्ते जा रही हैं। पूर्वांचल में पानी के रास्ते प्रयाग से बनारस पहुंचने वाली प्रियंका पहली महिला नेता है। लगभग 140 किलोमीटर तक प्रियंका पानी में ही रहेंगी और प्रयागराज भदोही होते हुए बनारस पहुंचेंगी। घाटों पर लोग खड़े होकर प्रियंका को देख रहे हैं और अपने खेतों खलिहानों के बीच से होता हुआ जाते हुए निहार रहे हैं और प्रियंका सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। पानी के रास्ते प्रचार का ये तरीका नायाब है। न रोड के ट्रैफिक का चीखता शोर है, न सुरक्षा की टेंशन। प्रियंका गांधी की ये पूरी जलयात्रा भावुकता की चादर में लिपटी हुई है। प्रियंका ने अपनी दादी को याद करते हुए लिखा, स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ। रात को सुलाते हुए दादी मुझे जोन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। आज भी उनके शब्द दिल में गूंजते हैं। कहती थी, निडर बनो, सब अच्छा होगा। प्रियंका अपनी दादी को याद करते हुए आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका की जल यात्रा के लिए गंगा पर बने पीपा पुल खोले जा रहे हैं। सिर्फ पानी में ही नहीं, प्रियंका गांधी ने सिर पर पल्लू डाला और लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा की और इसके बाद उसी संगम तट पर भी पूजा की जहां पर कुछ दिनों तक कुंभ सजा हुआ था। आपके हित का चुनाव नहीं है, पूरे देश के हित का है। देश में क्या हो रहा है? गिने चुने लोग हैं, चार पांच लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं। पूरी सत्ता अपने हाथ में लिए रहे हैं, सारी संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, हर चीज को अपने अपने अपनी सत्ता में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऐसे कोई देश नहीं चल सकता। जैसे जैसे प्रियंका आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे घाटों पर अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं।
प्रियंका की इस नदी यात्रा में खेतों में राहुल गांधी को किसानों से गले मिलते दिखाया जा रहा है और जिन राहुल गांधी को बीजेपी आलू से सोना निकालने का दोषी करार देती है, कांग्रेस अपनी इस जल यात्रा से प्रियंका और राहुल को किसानों का सबसे बड़ा साथी साबित करने पर लगी हुई है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पूर्वांचल दौरे की शुरुआत प्रयागराज से पूजा पाठ करके की और वाराणसी में पूजा पाठ से प्रियंका का पूर्वांचल दौरा खत्म होगा। प्रियंका को नाव पर जो भी ग्रामीण देखता है वो भावुक हो जाता है और प्रियंका से एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ता है। प्रियंका दौरा लोगों को उत्साहित तो कर रहा है, लेकिन क्या ये उत्साह वोट में तब्दील हो पाएगा? पूरी प्लानिंग के साथ आई हैं प्रियंका। जनता जनार्दन के दर पर प्रियंका पूजा भी होगी और प्रचार भी होगा। कांग्रेस में जोश जगाएंगी प्रियंका, विरोधियों की नींद उड़ाएंगी प्रियंका। प्रयागराज से कांग्रेस को यूपी में पुनर्जीवित करने के लिए प्रियंका ने मिशन की शुरुआत कर दी है। अंदाज बिल्कुल निराला और रास्ते सबसे अलग, न लंबा चौड़ा काफिला और न ही हवा हवाई दौरे। प्रियंका ने ऐसा रास्ता चुना है जिसकी चाल तो सबसे धीमी है, लेकिन जनता तक पहुंच काफी लंबी है। प्रियंका गांधी जैसे ही बोट लेकर पानी पर उतरी, वैसे ही कांग्रेसियों का जोश एकदम हाई हो गया। हर घाट पर बड़ी संख्या में प्रियंका का दीदार करने के लिए जनता और कांग्रेसी खड़े थे। प्रियंका ने भी किसी को नाराज नहीं किया और सबका बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया। पानी से प्रचार का प्रियंका का अंदाज बिल्कुल निराला है। रोड शो वाली राजनीति पर शायद प्रियंका को ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए जलमार्ग के रास्ते जनता के दिल में उतरना अब प्रियंका का लक्ष्य है। प्रयागराज से वाराणसी तक प्रियंका माँ गंगा की गोद में ही रहेंगी और पूर्वांचल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगी और निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काम है कहना, कांग्रेस का काम है करना। बीजेपी कहती रहेगी, नकारात्मक राजनीति करती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारा लक्ष्य है कि हम बीजेपी को हराएं और उनका भी वही लक्ष्य है, तो हम साथ साथ इकट्ठे लड़ रहे हैं। यूपी के बाहर भी कैंप जो राहुल जी मुझसे कहेंगे मैं पार्टी चाहेगी मैं करूँगा। यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नाव का सहारा लिया है। 3 दिन के दौरे में प्रियंका का पूरा फोकस पूर्वांचल पर ही रहेगा और संदेश पूरे यूपी में दिया जाएगा। लगभग 150 किलोमीटर तक प्रियंका गांधी पानी पर ही रहेंगी और बीच बीच में रुककर लोगों से संवाद भी करेंगी। पहले दिन प्रियंका ने कई जगहों पर अपनी बोट रोकी और लोगों से बात की। पूर्वांचल में ही मोदी और योगी की साख भी दांव पर है, इसलिए प्रियंका का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर ही है। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि जिस गंगा के किनारे गंदगी रहती थी और अगर गंगा विहार करके प्रियंका पूर्वांचल का दौरा कर रही हैं, तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। जिस गंगा के किनारे 24 घंटे गंदगी रहती थी, जिस गंगा के ऊपर नाव नहीं चल सकती थी, आज उस गठबंधन की तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ी नेता आज नदी के माध्यम से अपने प्रचार करने के लिए जा रही है, तो इससे बड़ा भी विकास हो सकता है। प्रियंका ने अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि उनके निशाने पर तो सिर्फ मोदी ही हैं। इसीलिए प्रियंका ने कहा कि आज संविधान खतरे में है और इसी वजह से उनको घर से बाहर निकलना पड़ा है। प्रियंका काफी दिनों से घर पर थी, लेकिन अब देश संकट में है तो राजनीति में आना पड़ा। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है और बीते 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, इसलिए प्रियंका को घर से निकलकर पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ जुड़ने के जुगाड़ में है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की तरफ से गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाया जाता है, वैसे ही माया अखिलेश कांग्रेस का हाथ झिटक देते हैं। आखिर कांग्रेस गठबंधन के साथ जुड़ने को लेकर इतनी मजबूर क्यों है? क्या मजबूरी है कि सपा बसपा कांग्रेस को किनारे रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के बीच में जबरदस्ती दाखिल होना चाहती है? कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। ये राज बब्बर का 16 मार्च का वो बयान है जिसमें उन्होंने गठबंधन को 7 सीटें देने का ऑफर किया था।
गठबंधन ने 2 सीटें छोड़ी तो कांग्रेस उसके बदले में 7 सीटें देने के लिए तैयार है। कन्नौज, मैनपुरी और फिरोजाबाद में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस की हमदर्दी सिर्फ सपा बसपा के लिए ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी है। इसलिए कांग्रेस ने अजीत चौधरी और उनके बेटे जयंत चौधरी के खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है। मायावती और अखिलेश का भी अभी पता नहीं है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनके लिए 2 सीटें बचाकर रखी गई हैं। माया और अखिलेश जिस सीट से लड़ेंगे वहां कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। कांग्रेस की तरफ से इतनी हमदर्दी दिखाने के बाद भी मायावती और अखिलेश यादव के इस ट्वीट ने कांग्रेस के उन पैरोकारों को परेशान करके रख दिया है जो किसी भी सूरत में सपा बसपा के साथ गठबंधन चाहते थे। अखिलेश और मायावती ने कांग्रेस के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है और ये संदेश भी दे दिया है कि कांग्रेस से उनकी हमदर्दी सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही है और इसके आगे कांग्रेस अपना दायरा ना बढ़ाए। अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कि यूपी में सपा बसपा और रालोद का गठबंधन बीजेपी को हराने में पूरी तरह से सक्षम है और कांग्रेस किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। कांग्रेस के लिए मायावती ने भी अखिलेश वाली भाषा में ट्वीट करके एकदम सटीक जवाब दे दिया है कि कांग्रेस चाहे तो यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है और गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति जनता में ना फैलाएं। मायावती ने कांग्रेस को साफ साफ समझा दिया है कि सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी को हराने में पूरी तरह से सक्षम है और कांग्रेस इसमें शामिल होने के बारे में सोचना बंद कर दे। यूपी में आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हर हाल में सपा बसपा से बेहतर रिश्ते चाहती है। सपा बसपा की तरफ से भाव नहीं मिलने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता न तो मायावती के खिलाफ बोलते हैं और न ही अखिलेश यादव के खिलाफ उनका कोई बयान आता है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पर सपा बसपा हमलावर है और कांग्रेस सिर्फ हमदर्द की भूमिका में है? हम कहीं से न गठबंधन का हिस्सा थे न हैं, वो अलग लड़ रही हैं, हम अलग लड़ रहे हैं। संस्कार और परंपरा की जहां तक बात थी उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसको देखा और उनके लिए 7 सीटें छोड़ी हैं। दरअसल कांग्रेस के साथ सपा बसपा की तलखी सिर्फ यूपी में ज्यादा सीटें जीतने को लेकर नहीं है। कुछ महीने की बात है जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे और तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मायावती और अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा बसपा को निराश कर दिया। अखिलेश ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर भी की थी कि मध्य प्रदेश में उनके एक विधायक को कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाकर ठीक नहीं किया है। एक और कारण भी है जिसकी वजह से अखिलेश यादव कांग्रेस को कम महत्व दे रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को नफा होने के बजाय नुकसान हो गया। अखिलेश अच्छी तरह से समझते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन उनके लिए फायदेमंद नहीं है और गठबंधन नहीं भी करेंगे तब भी कांग्रेस से उनके रिश्ते तो बेहतर रहेंगे ही। मायावती की अपनी अलग रणनीति है। मायावती को पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस के पूरे वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होंगे और गठबंधन करने से बसपा के बजाय कांग्रेस को ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरा कारण ये है कि मायावती खुद को मोदी के खिलाफ उतारना चाहती है और कांग्रेस के साथ रहकर सिर्फ राहुल ही चर्चा में रहेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती के नाम की चर्चा कम हो जाएगी। और अगर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दलों में सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन की आती हैं तो एक तरह से मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अखिलेश की सहमति भी मिल सकती है। दरअसल गठबंधन में शामिल होने के लिए कांग्रेस की बेताबी का कारण वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। कांग्रेस 2009 वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहती है जिसमें कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली थी। 2009 के नतीजे, कांग्रेस ने 80 सीटों पर लड़ा चुनाव, 20 सीटों पर मिली थी जीत, वोट प्रतिशत में हुई थी बंपर बढ़ोतरी, 26% कांग्रेस को मिले वोट। कई वर्षों बाद 2009 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपार जनसमर्थन मिला था जिसमें उसे बंपर वोट मिले थे और दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही थी। 2014 में 2 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को लग रहा है कि अगर गठबंधन से अलग वो चुनाव लड़ती हैं, तो जातीय समीकरण के हिसाब से यूपी में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं जितना कांग्रेस सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चुनाव के सियासी संग्राम का शंखनाद हो चुका है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए सभी सियासी दल दाव लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी में कांग्रेस गठबंधन के लिए नरमी दिखा रही है, मगर गठबंधन की तरफ से बीएसपी का रुख बिल्कुल सख्त है। मायावती ने कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बना ली है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मायावती को कांग्रेस से दूरी की ताकत कहां से मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में सबसे ज्यादा 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए एक दूसरे के दुश्मन माने जाने वाले दो दल यानी एसपी और बीएसपी अब अभूतपूर्व गठबंधन में बंध चुके हैं। शुरुआत में कांग्रेस के भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने की चर्चाएं थीं, लेकिन मायावती की जिद और सीटों के बंटवारे ने यूपी में तीनों पार्टियों के गठबंधन को खटाई में डाल दिया। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ और कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया गया। 2019 के लिए एसपी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन में कांग्रेस के साथ होने की बात खुद गठबंधन के घटक दल नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होने का दावा लगातार कर रही है। 2019 में राजनीति में सात का रंग हमेशा एक जैसा ही रहा, इस बात को लेकर नरम रुख होने का दावा भी करती है। कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के दावों से इतर गठबंधन का अपना ही राग है। 7 नहीं होने का दावा गठबंधन से साफ साफ कांग्रेस को बता दिया गया है। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर गठबंधन कांग्रेस को साथ क्यों नहीं चाहती। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के गठबंधन में साथ होने से मायावती का कद घट जाएगा या जो वोट बैंक मायावती के पास है वो बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर के बाद भी मायावती का वो वोट बैंक अभी भी जिंदा है, जिसके भरोसे मायावती अलग रंग की बात करती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। बीजेपी को 71, अपना दल को 2, सपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बसपा का खाता भी नहीं खुला, लेकिन 19% वोट बसपा के साथ था। बात 2017 के यूपी चुनाव की करें तो सपा को करीब 22% और बसपा को लगभग 20% मत मिले थे। दोनों को मिला ले तो ये करीब 42% होता है। कांग्रेस का हर क्षेत्र में अपना राजनीतिक जनाधार इतना मजबूत नहीं है। गठबंधन के साथ होने से कांग्रेस को इस 42% वोटर्स की सहानुभूति मिल सकती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। सियासी समीकरण को समझें तो सूबे में इस समय 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 14% जाटव हैं, जो बसपा का सबसे मजबूत वोट है, जबकि बाकी 8% दलित मतदाताओं में पासी, धोबी, खटीक, मुसहर, कोली, वाल्मीकि, गोंड, खरवार सहित 60 जातियां हैं। वहीं 45% के करीब ओबीसी मतदाता हैं। इनमें यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%,
लोधी 4% और जाट 2% हैं। बाकी 19% में गुर्जर, राजभर, बिंद, बियार, मल्लाह, निषाद, चौरसिया, प्रजापति, लोहार, कहार, कुम्हार सहित 100 से ज्यादा उपजातियां हैं। 19% के करीब मुस्लिम हैं। कांग्रेस गठबंधन के साथ इसलिए भी रहना चाहती है कि उसे गठबंधन के वोटर्स समीकरण को अपने साथ जोड़ने हैं, जो यूपी में बहुत कुछ भी बदलने का मादा रखता है। गठबंधन में शामिल आरएलडी का वोट बैंक पश्चिमी यूपी में काफी मजबूत माना जाता है। कांग्रेस की नजर इस वोट पर भी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गठबंधन काफी मजबूत हालत में है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत अलायंस हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो अलायंस है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। ये वो लोग तय करें जिन लोगों ने 10 साल में कुछ नहीं किया और इन लोगों ने 5 साल में कुछ नहीं किया। इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, हैं तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे। तो बहन जी ने जो बात कही उनकी बात का सम्मान है। तस्वीर साफ है, दागदार छवि से घिरी कांग्रेस से गठबंधन दूर रहना चाहता है। गठबंधन 2019 की हुकूमत के लिए बीजेपी से अकेले लड़ने को तैयार है। सत्ता की जंग में बीएसपी के साथ एसपी और आरएलडी की ताकत जुड़ चुकी है, जो यूपी में कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एकला चलो रे, मतलब अकेले चलकर चुनाव लड़ने की बात तो कह रही है, लेकिन खुलकर गठबंधन से बैर लेने को तैयार नहीं है। गठबंधन की कठिनाई भी कांग्रेस को लेकर यहीं से शुरू हो जाती है। दिल्ली की सल्तनत के लिए मायावती की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, क्योंकि मकसद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर ली है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां अपने पुराने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर चुनावी किला फतह करने की रणनीति के साथ मैदान में है, वहीं उपचुनाव में गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा सीट जीत कर एसपी और बीएसपी आरएलडी के साथ आम चुनाव में नतीजे दोहराने की तैयारी कर रही है। गठबंधन से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस गठबंधन पर डोरे डाल रही है। जैसे जैसे 2019 के पहले फेज की जंग करीब आ रही है, यूपी के सियासी समीकरण और सियासी तस्वीर बदलती जा रही है। एक तरफ बीजेपी से जंग के लिए गठबंधन तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सियासी अखाड़े में ताल ठोक रही है। गठबंधन ने 2019 की जंग में कांग्रेस के हाथ से किनारा किया है, लेकिन कांग्रेस की नरमी अभी भी गठबंधन के लिए बरकरार है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के इस सियासी गणित को समझ भी रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस ने जिस प्रकार से बसपा को डरा के समर्थन लेती रही 10 सालों तक लोकसभा के अंदर, मायावती जी को वो दिन याद है, वो दिन याद करके वो कांग्रेस से दूरी बनाना चाहती है। 2019 के लिए सज रहे सियासी मैदान में जो लोग उतर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी और पद दोनों के लिए इस तरह का आगाज चाहते हैं कि उनके मुकुट पर किसी की मेहरबानी ना रहे। उत्तर प्रदेश में बने सपा बसपा गठबंधन के साथ कांग्रेस को जोड़ने की जो लड़ाई गठबंधन के पीछे की भी सियासत यही है। 2005 में यूपीए 1 और 2009 में यूपीए 2 की गाड़ी केंद्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से चली थी। 2019 की सियासत में कांग्रेस अभी से इस बात को पुख्ता करना चाह रही है। कांग्रेस की मंशा यही है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ अपनी गांठ को इतना मजबूत कर लिया जाए कि अगर दिल्ली की गद्दी मिलने में समर्थन की बात आए तो उसमें कोई सियासी मतभेद ना रह जाए। कांग्रेस यूपी में एकला चलो, मतलब अकेले चलकर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, लेकिन खुलकर गठबंधन से बैर लेने को तैयार नहीं है। गठबंधन की कठिनाई भी कांग्रेस को लेकर यहीं से शुरू हो जाती है। दिल्ली की सल्तनत के लिए मायावती की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। मायावती यही चाहती भी है कि अगर 2019 में सरकार बनाने की बात मोदी के हाथ से निकलकर दूसरी तरफ जाती है तो उसमें उनकी भूमिका और उनके चेहरे का काम बड़ा हो। उत्तर प्रदेश में बने गठबंधन को मायावती स्वरूप में तो मान ही चुकी है, चेहरे की बात आएगी तो अखिलेश उनसे आगे जाकर नहीं खड़े होंगे। दिल्ली में महागठबंधन का अगर कोई बड़ा चेहरा होगा तो मायावती होंगी, ऐसा मायावती मानती हैं।
यही वजह है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में होती है तो मायावती को राहुल का नेतृत्व मानना पड़ेगा, जिसमें चेहरे को लेकर मतभेद पहले से ही खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से सियासी समीकरण पूरे भारत में बने हैं और मोदी की लहर के असर को सभी जगहों पर नकारने की जोड़ी है, वही मायावती के लिए राजनीतिक विटामिन का काम कर रही है, जो दिल्ली की गद्दी के लिए नए सपने की आस बन गई है। उत्तर प्रदेश के गठबंधन की सियासत सरकार बनाने के लिए दिल्ली में किस रूप में खड़ी होगी, इसका कोई निश्चित आकार तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ममता अभिमान में है। बिहार में तेजस्वी अभी भी अपने प्रताप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कई ऐसी बातें हैं जो भी खुली नहीं है, और दक्षिण में जनाधार को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी है, तो वही कांग्रेस भी उसे पकड़ने में मजबूती से जुटी हुई है। इस मतभेद के बीच सियासत निकलेगी, दिल्ली के नए निजाम के लिए गद्दी तय करेगी, और उसी चेहरे की लड़ाई गठबंधन के लिए कांग्रेस कठिनाई बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।